और सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मदरसा शिक्षा की है। मदरसा शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए 5.42 करोड़ रुपया बजट में व्यवस्था कर दी गई। और अभी मदरसा शिक्षा में 4 जुलाई को 100 दिन की व्यवस्था में ई लर्निंग ऐप जारी किया गया है, यानी मेला मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप। अब गरीबों के बच्चे भी मदरसा की शिक्षा इस ऐप के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से ले सकेंगे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, उस सिस्टम को डेवलप करते हुए अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजूर के बेटे भी हजूर होंगे, क्योंकि मदरसा शिक्षा में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमने NCERT का पाठ्यक्रम जारी किया है। अब मदरसा शिक्षा में उर्दू फारसी अरबी ये पढ़े, इसके साथ साथ मदरसा शिक्षा को आधुनिकता और राष्ट्रीयता से जोड़ते हुए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय और महान पुरुषों का इतिहास ये पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय गान भी कराया जा रहा है। इस तरीके से मदरसा शिक्षा की कुछ आवश्यक बातें थी जो हमने बता दी गई है। और इस बार पहली बार जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, ये खादिमुल हुज्जाज यानी हज सेवक पहले नहीं जाते थे, 2017 से ही जो हज यात्रियों की सेवा के लिए खादिमुल हुज्जाज भेजे जा रहे हैं और इनका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इस बार 50 हज सेवकों को भेजा गया है। हज यात्रा में लखनऊ इम्बार्केशन से 4,256 और नई दिल्ली इम्बार्केशन से 3,196, इस प्रकार उत्तर प्रदेश से कुल 7,452 हज यात्री भेजे गए। ये कुछ 100 दिन की व्यवस्था के कार्य हमने बता दिए। और अब हम आप लोग कुछ पूछेंगे, दूसरा विभाग ले लें। धन्यवाद। आप इसके बाद देखिए, आपकी बात ठीक है। जैसे हमारे ये भी ITI चल रही है अल्पसंख्यक विभाग के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ITI में मान्यता NCERT की नहीं है और वैसे भी नहीं है, तो इसको हम अब थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए NCERT की मान्यता तभी जब ITI में एडमिशन तभी देंगे, ये ITI को तभी खोलेंगे जब इस तरीके के मानक पूरा करेंगे। जहां आप बात करते हो उच्च शिक्षा की, सच में इस बार अभी लैपटॉप बांटने का भी काम किया है और रुपया भी उन्हें देने का काम किया है। और जिस तरीके से उच्च शिक्षा में जहां आवश्यकता होगी, योगी सरकार उससे पीछे नहीं है, मुस्लिम बच्चों यानी अल्पसंख्यक बच्चों को भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम कर रहे हैं, करेंगे इसको जी प्रक्रिया में। अब हम आगे ले लें, हो जाएगा सब प्रक्रिया ऐसा है जी।